दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय क्षमा वनस्पति एंड कुकिंग ऑयल, विज वॉश, गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग, एसएम फूड्स, वोल्का फूड्स इंटरनेशनल, अल करीम बिल्डर्स एंड धरेजा ग्रुप ऑफ अकेडमीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इंजीनियर मुमताज अहमद खान, साबिक डायरेक्टर कालबाग डायरेक्टोरेट, एक आबी महर की हैसियत से मक्स स्पेशल प्रोग्राम में आप शिद्दत में हाजिर है। नाजरीन, आज मैं पाकिस्तान के आबी बहरान और उसमें हमारी हुकूमतों, हमारे हुक्मरानों के किरदार के हवाले से पार्ट टू में मैं आपकी शिद्दत में हाजिर हूं। पार्ट वन में मैंने जनरल अयूब खान, जुल्फिकार अली भुट्टो और जनरल जियाउल हक के हवाले से मैंने बात की थी कि पाकिस्तान के आबी बहरान में इन हमारे इन तीन हुक्मरानों का क्या किरदार रहा है। इस पार्ट टू में मैं जनरल जियाउल हक के बाद आने वाले जो हमारे हुक्मरान हैं, मैं उनके कारकर्दगी के हवाले से आपकी खिदमत में कुछ हकायक पेश करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि जनरल जियाउल हक की शहादत के बाद गुलाम इसहाक खान पाकिस्तान के सदर बने। हकीकत यह है कि गुलाम इसहाक खान मरहूम पाकिस्तान के आबी वसाइल के हवाले से 1960 से उनका पाकिस्तान के आबी वसाइल में एक बहुत अहम किरदार रहा है, और वो इस हवाले से कि वो जब 1960 में वापडा बना, वापडा कैम हुआ, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी यू खान के दौर में, तो गुलाम इसहाक खान जो थे वो सबसे पहले चेयरमैन थे वापडा के, और आपको ये सुनकर हैरत होगी कि जब अयूब खान ने 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी की और उसके नतीजे में जो जो दो डैम पाकिस्तान ने बनने थे उनमें जो ओरिजिनल जो प्लान था, ओरिजिनल जो प्रपोजल थी वो थी कालाबाग डैम और मंगला डैम, ये दो डैम बनने थे जो ओरिजिनल जो प्रपोजल थी। लेकिन उस वक्त हुआ ये कि गुलाम इसहाक खान, जिनका ताल्लुक उस वक्त किसको बसरत से था और अयूब खान का अपना ताल्लुक भी किसको बसरत से था, उन्होंने उस वक्त बतौर चेयरमैन वापडा अयूब खान को यह तजवीज दी कि कालाबाग डैम तो एक कुदरती एक डैम है, एक साइट है जो कि कुदरती तौर पर एक बहुत अच्छी साइट है डैम के लिए, ये डैम तो हम अपने वसाइल से भी जब भी चाहेंगे बना लेंगे। तो चूंकि इस वक्त वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व है और हमें कर्जा भी मिल रहा है, तो क्यों ना हम कालाबाग की बजाय तरवेला में
उससे भी एक बड़ा डैम बना सकते हैं, बना ले, इस मौका से फायदा उठाएं। अब हकीकत यह है कि उनकी इस बात में बड़ा फसम था, लेकिन हकीकत यह है कि ये जो उन्होंने तजवीज पेश की थी इसमें बदलियत ही शामिल थी कि चूंकि कालाबाग पंजाब में था, तरबेला जो था वो सूबा सरहद में था, और बाद में आपको पता है कि रॉयल्टी का एक एक बहुत बड़ा मुफाद होता है, एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, तो उन्होंने अयूब खान को कहा कि ये आप, आपका ताल्लुक भी सूबा सरहद से है और आप यहाँ बनाए, यहाँ आपकी बड़ी पॉपुलैरिटी भी होगी और बड़ा डैम है, हम डैम वर्ल्ड बैंक के तावर से डैम, वो कालाबाग डैम तो हम कभी भी बना लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो इस तरीके से ये कालाबाग की बजाय तरबेला डैम बना इंडस वाटर टीटी के जो रिप्लेसमेंट वर्क से उनमें। ये मुझे बाद में ये जब जियाउल हक साहब का दौर था और उस वक्त जब फजल राजिक चेयरमैन थे, जनरल फजल राजिक और जनरल फजल हक जो गवर्नर थे सूबा सरहद के, जब उनकी मुखालफत की वजह से जियाउल हक साहब ने कालाबाग डैम का प्रोग्राम पोस्टपोन किया या ड्रॉप किया, तब इस चीज का हमें इल्म हुआ कि एक्चुअली जो कालाबाग डैम के खिलाफ जो साजिश है वो कोई टेक्निकल नहीं है बल्कि सियासी साजिश है, और वो ये है कि पंजाब के अंदर डैम नहीं बनने देना। ये एक्चुअली तब हमें इल्म हुआ इस बात का, अगर ये ओपनली किसी ने ये नहीं कहा, सियासी उसके लिए टेक्निकल फनी जो है इतराजात घड़े गए और ऑब्जेक्शंस जो घड़े गए कालाबाग डैम के हवाले से, लेकिन असली असल में हकीकत जो है और जो आज भी जो हकीकत है वो ये है कि कालाबाग डैम के खिलाफ जो भी मुखालफत है, चाहे वो सिंध से, चाहे वो केपीके से है, चाहे वो बलोचिस्तान, असल जो उसकी है, मैं एक इंजीनियर होने के हवाले से मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि असल जो दुख है या जो असल एतराज है वो ये है कि पंजाब के अंदर एक बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बनने देना। ये कहा जाता है कि जी सुबह सिंध के पास तो बंदरगाह है, एक बहुत बड़ा जो है एक रूट जो है जिस पर पूरा पाकिस्तान डिपेंड करता है, बलोचिस्तान में सुई गैस है, केपीके में तरबेला डैम है, पंजाब एक सियासी तौर पर एक बड़ा सूबा है, तो पंजाब को सियासी तौर पर जो है वो बैलेंस ऑफ पावर रखने के लिए या पंजाब को कमजोर रखने के लिए वहां कालाबाग डैम नहीं बनना चाहिए, पानी का जो वसीला है उसका उस पर ऐसा ना हो कि कहीं पंजाब उस पर कंट्रोल कर ले पानी पर। हालांकि वो तो इरसा है, एक फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है जो कि डैम्स को, दरियाओं की फ्लो को कंट्रोल करता है, लेकिन ये एक जो पॉलिटिकल जो एक तासुब है, प्रेजुडिस है, ये उसी का कारण है कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत गुलाम इसहाक खान ने कालाबाग डैम की बजाय तरबेला डैम बनवाया, और फिर आप जानते हैं कि जियाउल हक के दौर में जनरल फजल राजिक जो कि वापडा के चेयरमैन थे केपीके से सुबह सरहद से, और जनरल फजल हक उनके भाई थे
वो गवर्नर थे, उन्होंने भी जियाउल्लाह को कालाबाग डैम के खिलाफ गुमराह किया। और फिर आप ये देखें कि जियाउल्लाह के बाद गुलाम इसहाक खान सदर बने और वो जियाउल्लाह के दौर में भी उसे पहले वजीर खजाना भी रहे, वो सेनेट के चेयरमैन भी रहे, फिर सदर भी बन गए। लेकिन इस पूरे अरसे में उन्होंने कालाबाग डैम का नाम तक नहीं लिया, वो डैम जिस कालाबाग डैम के मतलब उन्होंने अयूब खान को ये कहा, ये डैम तो हम जब चाहेंगे बना लेंगे, जब चाहेंगे हम ये डैम बना लेंगे। लेकिन उन्होंने बिल्कुल कभी कालाबाग डैम की बात तक नहीं की। ये गुलाम इसहाक खान, ये उनका किरदार है या उनका अमल है पाकिस्तान के आबी जो मसाइल हैं या हमारे जो आबी बुरहान है उसके हवाले से। फिर क्या हुआ, गुलाम इसहाक खान साहब भी चले गए, फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई, जरदारी साहब सदर बने। उससे पहले बेनजीर मुतलमा मरहूम बेनजीर जो है वो कुछ अर्से के लिए वजीर आजम बनी, लेकिन गुलाम इसहाक खान ने उनका वो दौर खत्म कर दिया। फिर उसके बाद हुआ ये कि बेनजीर की शहादत के बाद आसिफ जरदारी साहब जो है वो मुल्क के सदर और करता धरता और पूरे फुल कमांड के साथ पाकिस्तान के सदर बने। और आप जानते हैं कि उनके बरसरे इख्तियार आते ही सबसे पहला जो काम किया उन्होंने पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ही किया कि कालाबाग डैम को मुकम्मल तौर पर, उनका कि आज के बाद कालाबाग डैम का कोई जिक्र नहीं होगा, कालाबाग डैम हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। ये पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ। फिर उसके बाद नाज़रीन आप कोई ये सुनकर ये जानकर बड़ी हैरत होगी कि हमारे जितने भी हुक्मरान आते रहे हैं, हकीकत ये है कि उनका पाकिस्तान के आबी बहरान के मुतलिक उन्हें कोई खुद कोई अवेयरनेस ही नहीं है कि ये पाकिस्तान का सबसे अहम मसला है पानी का, क्योंकि हम जरी मीशत है, हमारा तो हमारी तो कौमी जो बका है वो पानी से वाबस्ता है, हमारी तो इकोनॉमी जो है वो एग्री बेस्ड इकोनॉमी है। और हकीकत ये है कि हमारे हुक्मरानों की जो भी नाअहलियां हैं या जो कुछ भी उनकी कारकर्दगी है, इसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान कैब है तो इस वजह से है कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी रोटी अपना कपड़ा दिया है, इतनी जरखेज हमें इलाका दिया है, जमीन दी है, पानी दिया है, मौसम दिया है। और आप जानते हैं कि मैं अपने पिछले प्रोग्रामों में ये बता चुका हूं कि इस वक्त हमें 30-40% पानी की कमी का सामने है, जिससे ना सिर्फ हमारी जरूरी मीशन जो है बुरी तरह मुतासर हो रही है, बल्कि सूबों के दरमियान कौमी यकजहती जो है उसके ऊपर बहुत बुरे असरात पड़ रहे हैं। अभी आपने पिछले दिनों वजीर आला सिंध का सुना होगा कि जी पंजाब पानी चोरी करता है, ये अलग बात है कि ये एक सरासर झूठा, हालांकि पानी जो सिंध के जो वडेरे हैं वो पानी के सबसे बड़े चोर हैं, खैर ये अलग बहस है। लेकिन क्योंकि पानी की कमी है, पानी की कमी की वजह से हर सूबे की जरूरत पूरी नहीं होती है, तो इस वजह से एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगते हैं। लेकिन इसकी जो बड़ी वजह है
वो ये है कि हमारे जो हुक्मरान हैं उन्हें इदराक ही नहीं है कि ये पानी का जो मसला है किस कदर संगीन है। और उसकी मैं आपको मिसाल इसे देता हूं कि ये सन 2010 की बात है, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उस वक्त मुझे जियो टीवी पर एक पानी के हवाले से एक टॉक थी, मैं उसमें मेहमान था। और उस वक्त के जो हमारे पानी के वसाइल के जो इंचार्ज वजीर थे, जनाब कमाल मजीदुल्लाह साहब उनका नाम था, वो भी ऑनलाइन उस प्रोग्राम में थे। और उनको पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने एमक्यूएम के साथ सियासी जो उनका एडजस्टमेंट थी सियासी लेन देन में, ये वजारत जो है पानी की जो वजारत एमक्यूएम को दी गई थी और को कमाल मजीदुल्लाह साहब जो थे वो उसके इंचार्ज थे और वो उस प्रोग्राम में ऑनलाइन थे। प्रोग्राम के दौरान जो एंकर थे इफ्तिखार अहमद, और जब इंडस वाटर ट्रीटी की के हवाले से मैंने बात की, जब उनसे पूछा गया तो आप को हैरत होगी कि उनको इंडस वाटर ट्रीटी का पता ही नहीं था कि इंडस वाटर ट्रीटी में क्या लिखा हुआ है, उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी का मुतालिया ही नहीं किया था। एक इतना बड़ा अहम जो महदा है जो पाकिस्तान के आबी वसाइल और आबी मसाइल के हवाले से इतना अहम जो महदा है और जिसकी वजह से आज हम भारत की आबी जारहियत का शिकार है, वो जो कमाल मजीदुल्लाह साहब थे उनको इंडस वाटर ट्रीटी के मुतलक कोई उनकी मालूमात ही नहीं थी, उनको मालूम ही नहीं था कि उनमें क्या लिखा हुआ है। लेकिन वो वजारत दी गई थी एमक्यूएम को एक सियासी, और ये आप ये देखे, मैं अभी आगे चलकर बताऊंगा कि हमारी मौजूदा हुकूमत ने क्या किया है। ये वजारत जो के पाकिस्तान की, मैं समझता हूं एक इंजीनियर होने के हवाले से, कि ये पाकिस्तान की जितनी अहम दिफा की वजारत है, जितनी अहम फाइनेंस की वजारत है, या जितनी अहम इंटीरियर मिनिस्ट्री है, ये पानी की वजारत उससे कम अहम नहीं है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि ये जो पानी की जो वजारत है ये सबसे अहम वजारत है, कि इस पानी के ऊपर हमारी हमारी कौमी मईशत का, हमारी कौम की बका का, हमारी एग्रीकल्चर का जो है, और हमारी कौमी जो खुद मुख्तारी है उसका भी इस पर इन्हिसार है। तो ये तो सबसे अहम, लेकिन चूंकि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो कि इस वजारत की कुछ इस किस्म का हिसाब किताब है कि शायद यहां पैसे बनाने का अमल जो है वो कोई उसके चांसेस शायद बहुत कम है या ना होने के बराबर है, क्योंकि यहां तो इस वजारत में तो जो प्रोजेक्ट्स कोई बनेंगे तो वो आज शुरू होंगे तो 5-7 साल के बाद वो कंप्लीट होंगे, उस वक्त पता नहीं कौन बरसर इंतजार होगा। तो शायद मैं ये समझता हूं कि इसी वजह से कि इसको हमारे उन हुक्मरानों ने जिनका काम लूट मार करना है उनके लिए ये वजारत बिल्कुल गैर अहम वजारत है, इसीलिए वो सौदाबाजी सियासी सौदाबाजी के हवाले से इस वजारत को उन लोगों के हवाले कर देते हैं कि जिन्हें पानी के मुतल्लिक जिनकी मालूमात जीरो है और जिनको कोई दिलचस्पी ही नहीं है, सिर्फ वजारत चाहिए। ये मैंने आपको एक मिसाल एक दी कि पीपल्स पार्टी के दौर में सिर्फ पीपल्स पार्टी ने सिर्फ ये नहीं किया कि कालाबाग डैम को हमेशा के लिए उसको खत्म कर दिया, बल्कि उन्होंने जो पानी की जो वजारत थी
उस शख्स के हवाले कर दी जिस शख्स को पानी के मतलब इस बात को इंडस वाटर ट्रीटी के मतलब इलम ही नहीं था कि उसने मुताला ही नहीं किया था कि इंडस वाटर ट्रीटी में क्या लिखा हुआ है और उसकी वजह से जो भारत जो है इंडिया हमारा दुश्मन जो है वो हमें हमारे आबी जारियत का शिकार कर रहा है उस शख्स को इलम नहीं था। बिल्कुल यही सूरत हाल जो है वो जो हमारे दूसरे जो हुक्मरान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब के दौर में। अब आप ये देखें कि हम बागलिहार डैम का हम केस इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में हम हार गए, किशन गंगा का जो मामला है वो हम हार गए, लेकिन हमारी हुकूमतों ने हमारी चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी चाहे वो मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी मुस्लिम लीग की, किसी ने भी इस चीज की तहकीक नहीं की। कोई कमीशन नहीं बिठाया गया कि हम ये केस क्यों हारे हैं, हमारा इंडस वाटर कमिश्नर क्या करता रहा है। हकीकत ये है कि चाहे वो जमात अली शाह हो, 13 साल तक जमात अली शाह इंडस वाटर कमिश्नर रहा है, उसकी कारकर्दगी क्या है। हम बागलिहार डैम का केस इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में हार गए। आजकल मेहर अली शाह साहब कोई है वो इंचार्ज है, लेकिन हमारी क्या कारकर्दगी है, इंडस वाटर कमीशन की क्या कारकर्दगी है, हमारी वजारत जो है पानी की जो वजारत है उनकी क्या कारकर्दगी है, क्यों हम ये केस हारे हैं। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने कोई कमीशन बिठाया है, उसकी तहकीक की है कि हम ये केस क्यों हारे हैं, वजह क्या है। वजह ये है कि हमारे हुक्मरानों को इस बात का इदराक और एहसास ही नहीं है कि ये पानी की जो वजारत है, ये जो हमारा पानी का जो वसीला है, ये हमारा पानी का जो बुरान है कितना संगीन है, ये कितना अहम ये मसला है। ये तो मैंने आपको पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का बताया, हकीकत ये है। मैं ये समझता हूं और मेरे पास सबूत तो कोई नहीं है, लेकिन हमारे इंडस वाटर कमीशन और हमारी जो वजारतें हैं, हमारी वजारत जो है पानी की, उनकी जो कारकर्दगी रही है इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से और भारत की आबी जारियत के हवाले से, बागलिहार डैम, किशन गंगा और दूसरे जो प्रोजेक्ट इंडिया जो बना रहा है मकबूजा कश्मीर में, उन हवाले से इन वजारतों की और कमीशन की जो कारकर्दगी है, जिस तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी को 50 साल तक खुफिया रखा गया है, मैं नहायत वसूद से कहता हूं कि हमारे इन इदारों के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे लोग बैठे हैं जो पाकिस्तान को, अगर वो भारत की पेरोल पर नहीं है तो कम से कम वो मुजरमाना गफलत के मुजरिम है, वो गफलत के मुजरिम है। उन्होंने पाकिस्तान के और पाकिस्तान के अभी वसाइल की हैसियत से पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है और ये बहुत जरूरी है, नहायत जरूरी है। मैं बार बार ये कह रहा हूं हर हुकूमत से कि ऐसा एक कमीशन जब तक आप नहीं बिठाएंगे और इसकी तहकीक नहीं होगी कि बागलिहार डैम का हमारे इंडस वाटर कमीशन की क्या कारकर्दगी है बागलिहार डैम में और किशन गंगा डैम में, और कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन जिम्मेदार है उस नुकसान के, तब तक ये लोग बैठे हुए पाकिस्तान को डसते रहेंगे। और मैं आखिर में जनाब इमरान खान साहब ये हुकूमत की कारकर्दगी अब तक की कारकर्दगी पर भी मैं कुछ कहना चाहता हूं, अगरचे इसके बावजूद कि मैं इमरान खान जो है मैं उनको बहुत बेहतर
मैं उन्हें एक लीडर समझता हूं, लेकिन जहां तक पाकिस्तान के अभी मसाइल का तल्लुक है, उनके हवाले से अभी उन्होंने अभी रिसेंटली एक फैसला किया है, अरोज किया उन्होंने कि काफ मुस्लिम लीग काफ के साथ सियासी, उनको सियासी एडजस्टमेंट के लिए उन्होंने जनाब मुनस इलाही साहब को जो पानी की वजारत का वजीर बना दिया है। अब ये बड़े दुख की बात है, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब जैसा जो कि खुद कहते हैं कि टेक्नोक्रेट्स जो है, टेक्नोक्रेट्स को जब तक हम डिसीजन मेकिंग में नहीं लेकर आएंगे ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अब मुझे ये बताएं कि मुनस इलाही साहब का पानी के हवाले से उनकी क्या मालूमात है, उनको तो एक क्यूसेक और एक क्यूमेक की डेफिनेशन भी नहीं आती, उनको नहीं पता। तो ये कितने दुख की बात है कि सिर्फ एक सियासी एडजस्टमेंट के लिए उन्होंने मुनस इलाही को उस वजारत का इंचार्ज बना दिया है जो कि इंतहाई अहम वजारत है पाकिस्तान के आबी बहरान के हवाले से, पाकिस्तान की जरिए मीशत के हवाले से। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि हमारे हुक्मरानों को इस चीज का इदराक ही नहीं है कि ये पानी की जो वजारत है, पानी का जो मसला है, कितना अहम है और ये बहरान कितना संगीन बहरान है। चाहिए तो ये था कि इमरान खान साहब, हमारे वजीर आजम साहब बड़े इंजीनियर हैं या शम्सुल मुल्क जैसे इंजीनियर हैं, काबिल इंजीनियर बैठे हुए हैं, बाकी उन्होंने अपने असिस्टेंट लगाए हुए हैं, एडवाइजर लगाए हुए हैं, क्यों नहीं लगाते शम्सुल मुल्क साहब को अपना मुशीर, क्यों नहीं लगाते हैं पानी के हवाले से? मुनस इलाही साहब ने कुछ भी नहीं करना है, उनको तो इनको अगर करना भी था, एडजस्टमेंट करनी थी तो स्पोर्ट्स वगैरह की वजारत ही देनी थी ना, तो और वजारते हैं वो देते। अगर सेहत की वजारत के लिए डॉक्टर चाहिए और फाइनेंस की वजारत के लिए फाइनेंस के माहरीन आप लगाते हैं, तो पानी की वजारत के लिए भी खुदा के लिए उसको वजीर लगाएं जिसको पानी के मसाइल का पता हो, जिनको पता हो इंडस फर्टिलिटी क्या है, भारत कैसे आप जारियत कर रहा है, कैसे प्रोजेक्ट्स जो है हमने पानी के वसाइल, पानी के जो बुरान है उसके कौन कौन से पहलू हैं, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स है। तो जब तक आप इस वजारत को किसी माहिर, पानी के माहिर के हवाले नहीं करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान का आबी बुरान कभी भी खत्म नहीं होगा और ये बढ़ता ही रहेगा। नाजरीन, इन बारूदात के साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जिस दोस्त तक भी मेरा ये पैगाम पहुंचे वो इसे आगे शेयर करे, खुदा ताकि मुमकिन है ये आवाज, हमारा ये पैगाम हमारे हुक्मरानों तक पहुंच जाए। इंजीनियर मुमताज अहमद खान को मक्स स्पेशल प्रोग्राम से इजाजत। अल्लाह ताला हम सबका हामी हो, नासिर हो। अल्लाह हाफिज। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय शमा बनस्पति एंड कुकिंग ऑयल, विज वॉश, गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग, SM फूड्स, वोल्का फूड्स इंटरनेशनल, अल करीम बिल्डर्स एंड धरेजा ग्रुप ऑफ अकेडमीज़।